नमस्कार, मैं हूं जी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। देवधर विधानसभा के पूर्व विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री को राजेंद्र शुक्ला समेत वरिष्ठ नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। सीएम ने की राजकीय सम्मान की घोषणा। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और चार बार के विधायक रहे पंडित रमाकांत का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उन्होंने त्योथर में चाकघाट स्थित अपने घर में अंतिम सांस ली। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें गॉड ऑफ ऑनर दिया गया और उनका अंतिम संस्कार संगम प्रयागराज में किया गया। पूर्व मंत्री श्री तिवारी जी के सुपुत्र तिवारी लाल ने पिता को दी मुखग्नि। वहीं पूर्व मंत्री श्री तिवारी जी के निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय सहित तमाम दिग्गज नेताओं ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि, किया शोक व्यक्त। इनके साथ ही पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक राजन शुक्ला, वर्तमान विधायक श्यामलाल द्विवेदी, कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सी रमाशंकर सिंह, गीता मांझी जनपद अध्यक्ष त्योथर, गुरमीत सिंह मंगू जिला अध्यक्ष शहर कांग्रेस, श्री त्रियोगी नारायण शुक्ला भगत एवं त्योथर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता विद्यासागर शुक्ला सहित हजारों की संख्या में लोग उनके निज निवास चाकघाट से प्रयागराज के लिए निकाली गई अंतिम यात्रा में शामिल हुए। लोगों ने जब तक सूरज चांद रहेगा बाबूजी का नाम रहेगा नारा लगाते हुए अपने क्षेत्र के जननायक पंडित रमाकांत तिवारी जी को आखिरी विदाई दी। त्योथर से आशुतोष शुक्ला की यह रिपोर्ट, बने रही है द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार। चलो चलो भाई, चलो आज त्योंथर के एक युग का की समाप्ति हो गई। परम आदरणीय तिवारी जी, मेरे पूजनीय बाबा जी के अभिन्न मित्र और छोटे भाई थे। मेरे परिवार से उनके प्रेम की एक छोटी सी कहानी आपको बता दूं। 1992 में जब आदरणीय तिवारी जी मेरे बाबा जी के साथ एक दल में थे, तो 92 में एक मोर्चा निकल रहा था सरकार के खिलाफ। पुलिस भी थी, पुलिस बल भी था, तो एक पुलिस वाले ने घोड़े की नाल से मेरे बाबा को गिरा दिया ज़मीन पे। उस वक्त ना आओ देखा ना ताओ, परम पूजनीय तिवारी जी ने मेरे बाबा को अपने कंधे में उठाया और अस्पताल लेकर के गए। तो इस तरह का प्रेम मेरे और उनके परिवार के बीच में था। मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, बाबा के ना रह जाने के बाद इस क्षेत्र में एक तरह से वो हम लोग के गाइड थे, गार्जियन थे। मेरी पूरी सहानुभूति और प्रेम परिवार के साथ है और किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समस्या में मैं और मेरा पूरा परिवार तिवारी जी के परिवार के साथ खड़ा हुआ है। नहीं रहे लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे हम सबके दिल और दिमाग में रहेंगी। उनकी संघर्ष की जो यात्रा रही है, शून्य से राजनीति की शुरुआत करके उन्होंने काफ़ी ऊंचाई हासिल की, न सिर्फ त्योंथर क्षेत्र बल्कि रीवा जिले और विंध्य के कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती रही है। चार बार विधायक रहे, मंत्री रहे और मंत्री रहते हुए उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं
जब जब उन कामों को देखा जाएगा तो तिवारी जी की याद आएगी। रीवा में पशु चिकित्सा महाविद्यालय, जब वो पशुपालन मंत्री थे तो उन्होंने रीवा के लिए स्वीकृत कराया था। आज वो महाविद्यालय जो है वो जब हम कभी देखते हैं तो तिवारी जी की याद आती है। न जाने कितने पुल के निर्माण उन्होंने कराए। मुझे याद है ये जो नहर त्योंथर फ्लो त्योंथर लिफ्ट इरिगेशन, इसके लिए कितना वो कोशिश करते रहे विधानसभा में मजबूती के साथ। त्योंथर क्षेत्र के और रीवा ज़िले के विकास की बातें मजबूती से रखते थे। कई बार मुझे उनके साथ आंदोलनों में भाग लेने का मौका मिला है और जिस आंदोलन में तिवारी जी रहते थे उस आंदोलन में विपक्ष में रहने के बावजूद भी प्रशासन डरा और सहमा रहता था। जब कोई जननेता आंदोलन करता है तो जनता उमड़ती है और प्रशासन में दबाव बनता है। इसी आधार पर राजनीति करके उन्होंने अपने कद को बढ़ाया था। कद्दावर नेता थे, आज हमारे बीच में नहीं हैं। उनकी कमी पूरी नहीं की जा सकती है, लेकिन जो नई पीढ़ी के नेता हैं उनको रमाकांत तिवारी जी से प्रेरणा हमेशा मिलती रहेगी कि किस तरह शून्य से राजनीति शुरू करके बिना किसी बैकग्राउंड के और राजनीति के क्षितिज में किस प्रकार से अपना स्थान बनाया जा सकता है। ये जब रमाकांत जी के राजनीतिक यात्रा को हम देखते हैं तो नई पीढ़ी को उससे प्रेरणा मिलती है। मैं उनकी आत्मा की शांति ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिजनों को। हालांकि उनका परिवार सिर्फ उनका अपना परिवार ही नहीं था, त्योंथर का पूरा क्षेत्र उनका परिवार की तरह था, तो पूरे परिवार को शक्ति ईश्वर प्रदान करे कि हम इस कमी के कष्ट को सहन कर सकें। एक बार फिर से मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।